लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष के हंगामे से पहले ही सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को लंदन में दिए उनके बयानों को लेकर घेरा और संसद में माफी मांगने के लिए कहा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है, उनके बयानों के सदन के सभी सदस्यों की ओर से निंदा की जानी चाहिए। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। वहीं प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को घेरा और कहा कि उनको पूरा मौका दिया गया, इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र का क्या हो गया था। When the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power, sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रमुगलेगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था, व्हेन ऑफ द डेमोक्रेसी एट दैट टाइम सर, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर लुक्स, देन प्राइम मिनिस्टर लुक्ड हेल्पलेस, व्हेयर इज द डेमोक्रेसी सर। लोकसभा में बीजेपी की कार्यवाही के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन आपका है, 75 ईयर्स के देश के लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और सरकार का क्रिटिसिज्म, दुनिया के संसद सदस्य क्रिटिसिज्म और दुनिया के अध्यक्ष मानते हैं जो भारत का लोकतंत्र हड़प कर सशक्त मजबूत है, वो आपको बाहर बोलने की आजादी है, बोलते हैं आप एक खीट बजाइए, मैं बोल रहा हूँ आपको इजाजत मांगना चाहिए, आप खीट बजाइए, हाउस में खीट बजाइए, मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की ओर से लंदन में दिए गए बयान को लेकर संसद में विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए हंगामा किया।